लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है, चुनाव प्रचार भी लगभग बंद हो गया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी शिव की आराधना के लिए केदारनाथ पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ मंदिर की परिक्रमा भी की। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर के दोबारा शुरू हुए निर्माण कार्यों की समीक्षा करने पहुंच गए। पीएम नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके और ये सब करने के बाद मंदिर परिसर से करीब 2 किलोमीटर दूर बनी एक गुफा में वो ध्यान करने चले गए, जहां वो पूरी रात रुकेंगे। आज यानी रविवार को पीएम मोदी बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। आज हम आपको पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से रिलेटेड कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। दरअसल यहां आकर पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के दोबारा निर्माण कार्य जो शुरू हुए हैं उनकी समीक्षा की। हम वो अब तक कैसे भूल सकते हैं जो साल 2013 में उत्तराखंड में आई थी, वो खौफनाक जल प्रलय जिसने स्वर्ग जैसे उत्तराखंड की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। उसी के बाद से पीएम मोदी लगातार उत्तराखंड के प्रगति कामों और विकास पर नजर रख रहे हैं। जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस समय मोदी देश के पीएम नहीं थे बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब भी उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वो 5 करोड़ रुपए लेने से इनकार कर दिया था। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी केदारनाथ में भगवान शिव की शरण में गए हों। साल 2017 में केदारनाथ के धाम खुलने के मौके पर पीएम मोदी ने प्रथम भक्त के तौर पर बाबा केदार के दर्शन किए थे, उनका रुद्राभिषेक भी किया था। उसी के बाद से अब तक पीएम मोदी चौथी बार केदारनाथ आए हैं। यूं तो पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद पूरी तरीके से आध्यात्मिक था, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों की समीक्षा की। आप वीडियो भी देख सकते हैं, ये वीडियो उनके ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जो आप यहाँ इस स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि 23 मई को आने वाले नतीजों से पहले पीएम मोदी के लिए ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनावी रण में अपना पूरा जोर शोर दिखाने के बाद अब केदारनाथ जी के शरण में अपनी पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगने आए हैं। जब वो हेलीपैड से उतरकर पैदल रास्ते से मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन भी किया था। आपने देखा ही होगा कि नेता अपने अपने हिसाब से चुनाव खत्म होने के बाद मनचाही जगहों पर निकल जाते हैं, कोई विदेश यात्रा करता है तो कोई अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर निकल जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही आप प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर राहुल गांधी को या फिर शशि थरूर को मंदिरों में जाते देख रहे होंगे, शशि थरूर को तो इस बार मंदिर में पूजा करने के दौरान चोट भी लगी थी, पर चुनाव के बाद ये नेता आपको विदेश में ही मिलेंगे। कई लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी ये सवाल उठाया कि पीएम मोदी गुफा में अगर ध्यान कर रहे हैं तो फोटो कौन ले रहा है, जब मीडिया को वहां जाना अलाउ ही नहीं था। पर ट्वीट में ये साफ हो गया कि सिर्फ मीडिया को इनिशियली विजुअल लेना अलाउ था। पीएम मोदी का ध्यान कल सुबह यानी आज सुबह तक चला होगा, जिसमें कोई भी मीडिया अलाउ नहीं है। खैर, सवाल उठाने वाले तो मोदी के अपनी माँ से मिलने पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, ऐसे में उनकी बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।